नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री बनने से पहले माननीय भूपेश बघेल ने कहा था, नरवा गरुआ घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी महंत राम सुंदर दास महाराज गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के महिलाओं एवं किसान परिवारों को मिल रहा है लाभ। छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है 2 रुपए किलो में गोबर, महिलाओं को मिल रहा है लाभ। गौ सेवा अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, छत्तीसगढ़ में 20,000 ग्रामों में गौठान बनाने की योजना प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अनुसूचित संयोजक सरोज सारथी भी उपस्थित रहे प्रेस वार्ता में। निखिल कश्यप की रिपोर्ट। माननीय भूपेश बघेल जी आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। जिस समय वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि नरुआ गरुआ घुरुआ बारी छत्तीसगढ़ की यह है चार चिन्हारी। लोगों ने उनके इस बात को बहुत सराहा और छत्तीसगढ़ जनता ने कांग्रेस को बहुत अच्छा आशीर्वाद प्रदान किया। प्रचंड मतों से हमारे विधायक जीत करके आए, पूर्ण बहुमत में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्मान्य भूपेश बघेल जी बने। और जैसा उन्होंने पहले कहा था कि नरवा गरुआ घुरुआ बारी छत्तीसगढ़ की है यह चार चिन्हारी, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और छत्तीसगढ़ के लगभग 20,000 ग्रामों में गौठान बनाने का योजना उन्होंने प्रारंभ किया। अधिकांश जगह पर गौठान बन के तैयार हैं, कुछ जगह निर्माणाधीन है, कुछ जगह स्वीकृत हो रहा है। कुछ दिन बाद फिर नगरीय निकाय के लोगों ने ही मांग किया, 30 योजना को नगरीय निकाय में भी लागू किया गया और आज नगरीय निकाय में भी गौठान आवश्यकता के अनुरूप बन रहा है। ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत में एक गौठान बनने का है, लेकिन नगरीय निकाय में जितने गौवंशी हैं उसके आधार पर गौठान 3-4 भी बन रहा है। तो निश्चित रूप से गौठान पूर्ण बन जाने के बाद गाँव के गलियों में और शहर के चौक चौराहों में जो गौवंशी दिखते हैं वो गौठान में सुरक्षित संरक्षित रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ही गौवंशियों के प्रति लोगों की सोच बदले और लोग अपने घर में उसको रखें पालें, ये सोच करके गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया। यह बड़ा क्रांतिकारी योजना है कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की बात आज तक किसी भी सरकार ने, भारतवर्ष का विश्व कोई भी सरकार ने गोबर खरीदने का काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने यह योजना प्रारंभ किया है, ऐसे गौ पालकों का मनोबल बढ़ा है और बहुत अच्छे ढंग से गौवंशियों का पालन पोषण गौ पालक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए संवर्धन कार्य कर रही है। मुझे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष उन्होंने बनाया, गौ माता का सेवा करने का संरक्षण दायित्व मुझे उन्होंने दिया। छत्तीसगढ़ में जितने भी गौशाला गौ सेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत हैं उन सभी स्थानों में एक बार दो बार तीन बार जा चुका हूं। सभी जगह की व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित है, जहां कुछ कमी थी उसको हमने सुधारने का प्रयत्न किया है। अब आज के तारीख में बहुत ज़्यादा गौवंशी गौशाला में हैं। इस बीच में अनेक स्थानों पर लोगों के द्वारा गौवंशियों जो बाहर ले जाया जा रहा था उन्हें पकड़ा गया। हम गाड़ी को भी रास्ता करने कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किए हैं और जो उन गौवंशियों को ले जाते हुए पकड़े गए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। आज वो जेल में हैं, जमानत भी नहीं हो पा रही है उनकी। तो निश्चित जो गौ माता के विरुद्ध में काम करेंगे उनको यह परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, ये हमने लोगों को संदेश भी दिया है। तो गौ माता सुरक्षित हैं संरक्षण छत्तीसगढ़ में, ये बहुत ही सुखी का अवसर है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।